नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल के आगे का क्वेश्चन आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार पहले जो है सेशन को शेयर करिए, लोगों को लाइव लेकर आइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करिए, एक बार कर दीजिए। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन कराते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं, वो आपको समझ में आता है कि नहीं, बताइए जरा। चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई ब्रिक मेसनरी, हाई क्लास ब्रिक मेसनरी। मतलब कौन सा ऐसा ब्रिक है जिसका यूज हम हाई क्लास ब्रिक मेसनरी में करते हैं। ठीक है, तो पहला है बुल नोज ब्रिक। बुल नोज ब्रिक जो होता है वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसे होता है कुछ, ये आपका ब्रिक है, ब्रिक के एक सिरे को हम क्या कर देते हैं, राउंडेड कर देते हैं, तो सिंगल बुल नोज कहलाता है। ठीक है, दोनों तरफ राउंडेड कर देते हैं तो डबल बुल नोज। इसका क्या कहते हैं, ड्रेन्स वगैरह जो बनाई जाती हैं उसमें यूज कर सकते हैं आप। कॉलम वगैरह को आप राउंडेड बनाना है, किसी शेप में बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाई क्लास का नहीं हुआ। जो झामा ब्रिक्स होती है, ये आपका जो है स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये आपका जो है यूज नहीं की जाती है मैसनरी वर्क्स में, क्योंकि इनका शेप जो है खराब होता है। ठीक है, जो मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं यही आपका यूज की जाती है। ठीक है, तो आप हमको जरा बताइए मॉड्यूलर ब्रिक का साइज और नॉमिनल ब्रिक का साइज। ठीक है, तो जो मॉड्यूलर होता है, चलिए बताइए। ठीक है, सुनिए, जो मॉड्यूलर होता है, मॉड्यूलर ब्रिक का साइज जो होता है वो आपका कितना होना चाहिए, 19x9x9। ठीक है, क्या सेंटीमीटर। और अगर बात करें किसकी, नॉमिनल की, तो क्या हो जाएगा, 20x10x10। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए। तो जो आपका मॉड्यूलर ब्रिक है वही आपका क्या, हाई क्लास ब्रिक मेसनरी में यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड ब्रिक, कच्ची ब्रिक का आप क्यों यूज करेंगे, हाई क्लास में भी। ठीक है, तो पहले का क्या सही हो जाएगा, पहले का आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। आप जानते हैं आपका जो ब्रिक होता है, ठीक है, जब ब्रिक आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप मैसनरी वर्क में, ठीक है, जब आप चिनाई कर देते हैं ब्रिक से, तो क्या करते हैं कि जो है तराई करते रहते हैं, या फिर ब्रिक की जो है चिनाई करने से पहले भी तराई करते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, कि जो ब्रिक के वाइस हैं उसमें पानी भरा रहे। ठीक है, जब आप मोर्टार लगाएंगे, मसाला लगाएंगे ब्रिक में, तो क्या होगा कि उस मसाले में पानी होता है, और वो पानी जो होता है वो केवल सीमेंट के रिएक्शन के लिए होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको पूरा करने के लिए होता है। लेकिन जब वो ब्रिक के साथ लगाए जाएंगे और ब्रिक के वाइट्स जो है सेचुरेट नहीं होंगे, ब्रिक्स के वाइट में पानी नहीं भरा होगा, तो क्या होगा, वो मसाले के पानी को अवशोषित कर लेंगे अपने वाइट्स को भरने के लिए। तो दिक्कत क्या आएगी कि जो मसाले में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो सीमेंट का है फुली हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, फुली केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएगा, तो वहां पे आपकी मैसनरी की जो जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि तराई करते रहते हैं कि जो वाइट्स होते हैं उसमें पानी भर जाए, पानी भर जाए तो क्या मसाले के पानी को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, समझ में आया क्यों करते रहते हैं तराई, इसीलिए करते हैं कि वाइट्स में पानी भरा रहे तो वो मसाले के पानी को ना खींचे। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए, कंक्रीट के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनका अपना अपना काम होता है। C3A क्या होता है, सेटिंग के लिए होता है। ठीक है, C4AF ज्यादा कोई काम नहीं होता इसका, बस होता है ये। ठीक है, जैसे घर में कुछ लोग होते हैं बस होते ही है आपके मेंबर्स में, ठीक है, उनका कोई जो है ज्यादा रोल नहीं होता, तो इसी तरह होता है कि जो आपका C4AF है वो बस होता है। ठीक है, C3A का काम क्या काम है, आपका सेटिंग के लिए होता है। C3S क्या होता है, जो आपकी इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, 28 दिन की स्ट्रेंथ वो आपकी C3S ही देता है, सबसे अच्छा कंपाउंड माना जाता है। जितनी ज्यादा मात्रा होती है C3S की, उतनी अच्छी आपकी जो है क्या होती है, सीमेंट होती है। अब बात करते हैं C2S, ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कौन सा होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरे का कौन सा, पहला
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज्ड टू रेजिस्ट, रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज होता है वो आपको फायर रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा दिया है, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, यानी फायर रेजिस्टेंट वही होता है। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। फोर्थ का कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। आप लोग आंसर देते रहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस इन सैंड वेयर चेंज इन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखिए जब आप पढ़े होंगे, क्या आप पढ़े होंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड में बल्किंग मैक्सिमम कब होती है, कितना मॉइस्चर कंटेंट। तो जब 5% मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसमें 40% के लगभग, 35-40% तक बल्किंग होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम बल्किंग। तो वो 5% पे होता है। बल्किंग को प्रभावित कौन करता है, ठीक है। बल्किंग जो एक्चुअली होता है किसके, जो है जो आपके सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है, एक वाटर की लेयर बन जाती है सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बालू फूली, मतलब वहां आयतन बढ़ जाता है लेकिन बालू के कण नहीं फूलते हैं उसमें, ठीक है। उसमें केवल लेयर जो है बीच में आ जाती है, तो आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो 5% होगा, पांचवे का पहला सही हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर मैरिन वर्क, समुद्री कार्यों के लिए सबसे जो है क्या, जो है बेस्ट सीमेंट कौन सी होती है। तो जो आपकी जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है, हाई एल्यूमिना सीमेंट को इसीलिए बनाया गया है, मतलब ठीक है, जिसका सल्फेट रेजिस्टेंट जो है काफी अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज हम क्या करते हैं, मैरिन वर्क के लिए करते हैं। तो छठवें का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, छठवें का सेकंड ऑप्शन। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज क्या करते हैं, आपके पेवमेंट वगैरह के रिपेयरिंग वर्क के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी हार्ड हो जाती है और रोड वगैरह को आपको जल्दी ओपन करना होता है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, ठीक। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, मास कंक्रीटिंग के लिए, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का भी मास कंक्रीटिंग के लिए जहां पे ओपीसी करते हैं वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है। जब आप नेचुरल जो है नेचुरल करेंगे क्या सीजनिंग, तो आपका क्या होता है 15% प्राप्त होता है, ठीक है। और वैसे अगर ऑप्शन में 10-12% दिया है तो आप 10-12% लगाएंगे, और अगर 10 और 12 अलग अलग दिया है तो 12% लगाएंगे, ठीक है। अगर 10-12% दिया है तो ये ऑप्शन सही होगा, अगर 10 और 12 अलग अलग दिया है तो 12 सही होगा, ठीक है, और नेचुरल में क्या 15 सही होगा, ठीक है। तो आपका वही नेचुरल एयर ड्राइंग प्रोसेस किया गया तो 15% यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें का दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड इन द सीमेंट मोर्टार व्हाइल टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब आप कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है टेस्टिंग करते हैं, तो जो बनाते हैं आप मसाला उसमें कितना लेते हैं, तो 1:3, 1:3, 1 सीमेंट होता है, 3 आपकी स्टैंडर्ड सैंड होती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, आठवें का दूसरा सही हो जाएगा, आठवें का दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके श्रिंकेज को प्रभावित करता है, तो पहला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, देखिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट भी श्रिंकेज को प्रभावित करता है। अभी हम चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो फिर बताते हैं, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं करता, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट नहीं करता, अमाउंट ऑफ वाटर एडिंग ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट ये भी करता है। देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको सही दिए हैं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एक दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर, तो इन दोनों में जो ज्यादा सही होगा उसको यूज करेंगे। तो देखिए सीमेंट आपके क्या होते हैं, सीमेंट में जो कंपाउंड होता है आपका, जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो एल्यूमिना भी पाया जाता है वो जो श्रिंकेज के लिए माना जाता है आपको, ठीक है। तो क्या होता है, सीमेंट भी जो है ज्यादा मात्रा में मिलाया जाएगा तो श्रिंकेज ज्यादा होगा, लेकिन अगर पानी की तुलना में देखा जाए तो पानी के कारण जो है श्रिंकेज ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक पूछे तो प्रभावित तो सीमेंट भी करता है लेकिन पानी ज्यादा जो है प्रभावित करता है। तो आपको ऑप्शन में भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा सुटेबल है, तो 9वें का चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन के जो है चारों ऑप्शन देखने हैं, और हो सकता है आपको कभी कभी चारों ऑप्शन सही मिल जाते हैं, जैसे हमने कल एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उसे। द कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंबाइंड एग्रीगेट सो दैट द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द कंबाइंड एग्रीगेट, ठीक है, जेड आपका दिया है, जेड आपका दिया कितना 6.4, ठीक है, एंड कोर्स एग्रीगेट सॉरी
ठीक है, चलिए ठीक है, इसी को जेड मान लीजिए, आप कंबाइंड को जेड मान लीजिए, ठीक है। और द फाइनेंस मॉडल ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का कितना दिया 6.4, हम सी मान रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट को कितना मान रहे हैं 2.8 मान रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना, परसेंटेज आपका जो मिक्स किया जा रहा है तो उसमें कितना आएगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज मिक्सिंग के बाद क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए देखिए 6.4 था क्या, 7.6 है यानी कोर्स वाला 7.6 है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कोर्स माइनस जेड, जेड माइनस एफ, मतलब कोर्स एग्रीगेट माइनस कंबाइंड एग्रीगेट अपॉन कंबाइंड एग्रीगेट माइनस फाइन एग्रीगेट इनटू 100, ठीक है। तो 7.6 माइनस 6.4 अपॉन 6.4 माइनस 2.8 इनटू 100, कैलकुलेट करके आंसर बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। बताइए आप लोग आंसर कितना आया, ठीक है 33.33%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, दसवें का, दसवें का दूसरा आपका सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स जो होता है आपका किसमें, वर्ग मीटर में यूज किया जाता है, ठीक है, वर्ग मीटर में आपका मेजर किया जाता है। तो स्क्वायर मीटर सही हो जाएगा, फोर्थ 11वें का फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटिंग आपकी जो है शुरू होने वाली है, परसों से शुरू हो जाएगी, ठीक। तो आप लोग लाइव आना जरूर जो है एस्टिमेटिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इरिगेशन हमने खत्म किया है, इरिगेशन के लेक्चर जो है, इरिगेशन हमने जो पढ़ाया तो उससे आए हुए सारे क्वेश्चन 2018 में, मतलब पिछली एसएससी जेई में इरिगेशन से जितने क्वेश्चन आए थे उस पर हमने एक वीडियो बनाया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया, वो कल आएगा आपका, ठीक है। तो कल आप जो है लाइव लेना उसको मत भेजिए, ठीक है, कल आपका लाइव आएगा वो सेशन, ठीक। चलते हैं अगले, सुबह 7:30 बजे, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बराबर कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सैंड रिक्वायर्ड इन 20 क्यूबिक मीटर ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, देखिए आपका सैंड की क्वांटिटी पूछा है, 20 घन मीटर में आप क्या कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो कितना लगेगा आपका, क्या सैंड की कितनी क्वालिटी आपकी लगेगी, क्वालिटी कह रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए आपका ड्राई जो ड्राई जो है मटेरियल होते हैं, एक घन मीटर के लिए कितना 1.54 घन मीटर लिया जाता है, ठीक है। जो आपके कंक्रीट के ड्राई मटेरियल्स होते हैं सूखी अवस्था में, एक घन मीटर के लिए कितना 1.54 लिया जाता है। तो 20 घन मीटर के कितना हो जाएगा, 20 के लिए 20 गुणे 1.54 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, ठीक है। 20 × 1.54 20 × 1.54 कितना हो जाएगा 30.8 मीटर क्यूब आपका हो जाएगा, क्या ये ड्राई मोर्टार हो जाएगा, किस सूखा मसाला आपका किसके लिए हो जाएगा, 20 घन मीटर के लिए। अब बात करते हैं 1:2:4 कंक्रीट का यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है सीमेंट का पोर्शन कितना होगा, सीमेंट आपका होगा 1 यानी 30.8 अपॉन 1+2+4:1, ये आपका सीमेंट निकल के आएगा, ठीक है। और 30.8 अपॉन 1+2+4:2 ये आपका क्या निकल के आएगा, सैंड। तो हमसे पूछा किसका है, सैंड की पूछा है, तो दूसरा वाला कैलकुलेट करके बताइए। एट पॉइंट एट मीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, 12वें का चौथा ऑप्शन आपका सही है, समझ में आया ना। जो आपका फैक्टर लेते हैं इसमें कि ड्राई मोर्टार कितना होगा, तो एक घन मीटर अगर आप गीला मसाला तैयार करते हैं तो उसके लिए सूखा मसाला कितना लेना पड़ेगा आपको, 1.54 घन मीटर, ठीक है, ये चीज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13 की तरफ, डिडक्शन एट द क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। देखिए सेंटर लाइन मेथड से जब आप एस्टिमेशन करते हैं, सेंटर लाइन मेथड से जब आप एस्टिमेटिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो वॉल है, मान लीजिए ये वॉल आई, ठीक है, इसके यहां से एक वॉल नीचे की तरफ गई, मतलब टी जॉइंट मिल गया आपका, ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, और एक ऐसा कुछ बना हुआ है, एक वॉल आपकी इधर जा रही है किधर, मतलब क्रॉस बन रहा है। तो टी पर जब बात करते हैं तो हाफ ऑफ द वॉल, वॉल का आधा आप डिडक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर यहां पर बात करें तो एक वॉल के बराबर, मतलब फुल वॉल आप कह सकते हैं कि एक दीवार की जो है मोटाई के बराबर क्या करते हैं आप, डिडक्ट करते हैं सेंटर लाइन में। और अगर टी ज्वाइंट है तो आपका क्या वाल के आधे, मतलब जैसे 30 सेंटीमीटर की वाल है तो 15 सेंटीमीटर डिडक्ट करेंगे। और आपकी नॉर्मली कोई है ऐसे दीवार जा रही है, ऐसे घूम गई, तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा,
ठीक है, जंक्शन दो दीवारों के जंक्शन पर आपका क्या होगा, डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्रॉस पर, तो क्रॉस में क्या थिकनेस ऑफ द वॉल, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 13th का थर्ड। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर फॉर अ कैनाल एम्बैकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एट द टू सेक्शंस आर 20 मीटर। अरे यार, ट्रेपीजॉइडल से आपको क्या निकालना है, इसमें कितने क्वांटिटी में जो है, कितनी क्वांटिटी अर्थवर्क हुई आपकी, कितने घन मीटर अर्थवर्क का कार्य किया गया, वो आपको क्या निकालना है ट्रेपीजॉइडल फार्मूले से। तो आपको ट्रेपीजॉइडल फार्मूला पता होगा, ट्रेपीजॉइडल फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है इंटरवल इंटू ए वन प्लस, ट्रेपीजॉइडल सही बात करना है ना, ए वन प्लस ए एन बाई टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन। ठीक है, ये होता है एक फॉर्मूला। और यहाँ पे जो है क्या पूछा, कितने का है ले, एक सेक्शन दो ही सेक्शन दिया हुआ है आपका, तो आप क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलो यही यूज करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 80 100 बटे 50 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 80 बटे 2 यानी 50, यहाँ पे रखेंगे क्या, यहाँ पे आप रखिए 100। ठीक है, लंबाई आपकी 100 दी है, यहाँ पे 20 प्लस 80 बटे 2 कर दीजिए, और कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या 80 20 100 बटे 2 50 गुणे 100 यानी 5000 क्या मीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 14 में का, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां आपका है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी, देखिए एरिया, और अगर आपका इस तरह से पूछता है किसी चीज को स्पेसिफाइड नहीं करता कि टिम्बर की एक्यूरेसी या स्टील की एक्यूरेसी या कंक्रीट की एक्यूरेसी, तो अगर केवल एक्यूरेसी की बात करता है तो आप एरिया के लिए क्या लिखेंगे, 0.01 मीटर स्क्वायर, लेंथ आपकी 0.01 मीटर जो है, और हाँ आयतन आपका 0.01 मीटर क्यूब। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं करता है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर स्पेसिफाइड कर देता है, टिम्बर का अलग होता है, स्टील का अलग होता है, और इसका जो है कंक्रीट का अलग होता है, कुछ चीजें सेम होती हैं कुछ चीजें अलग होती हैं। ठीक है, ये चीज हम आपको एस्टिमेटिंग में पढ़ाएंगे। तो क्या है कि एक्यूरेसी आपको बताना है एरिया का, तो 0.1 मीटर स्क्वायर, 01 इसको सेंटीमीटर में बदलिए तो 0.01 इंटू 1000 का स्क्वायर, नहीं हाँ एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, 1 2 हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 15वें का थर्ड। ठीक है, समझ में आया ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द पेंटेड। हम आपको बताए थे जब आप सेमी कोरुगेटेड की बात करते हैं तो 10% लेता है, लेकिन फुल कोरुगेटेड की बात करते हैं यानी कोरुगेटेड की बात करते हैं तो 20% लेता है। तो इसमें कोरुगेटेड की बात की है तो 20% यानी थर्ड ऑप्शन 16वें का थर्ड। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, फुल का कहेगा तो 20%, हाफ या सेमी कहेगा तो 10%। अगले क्वेश्चन पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में आप वैल्यू ज्ञात करेंगे तो या तो रेंट पे देना होगा, या तो टैक्स का फिक्सेशन करना होगा, या फिर जो है प्रॉपर्टी को बेचना होगा, तो ये सब पर्पस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिया है, टैक्सेशन दिया है, टैक्सेशन निर्धारित कर निर्धारण के लिए। ठीक है, तो 17वें का फोर्थ सही हो जाएगा, 17वें का फोर्थ, ज्यादा तेज तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 रुपए। 50,000 रुपए आपका कॉस्ट हुआ एक, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक जनरेटर को इंस्टॉल कराया। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर उसको इंस्टॉल कराने का कॉस्ट आपका आया 50,000 रुपए, कितना आया 50,000 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, द कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड आपको ज्ञात करना है, सिंकिंग फंड आपको ज्ञात करना है, तो जो है किसके रेट कितना है आपका, आर कितना है, 5%, 50% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर की लाइफ कितनी है, 10 इयर्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा है सिंकिंग फंड बराबर क्या होता है, कॉस्ट इनटू आर रेट अपॉन 1 प्लस रेट की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये होता है आपका सिंकिंग फंड, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, सी आपका कॉस्ट कितना है 50,000, आर कितना है 5% को 0.05 लिखिए, प्लस 0.05 की पावर एन 10 माइनस 1। ठीक है, टेक्स्ट बड़ा है ना, लिख बड़ा रहना, समझ में आ रहा है,
चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 50,000.05/1.05^10-1 39.75 कितना आ रहा है? 39.75.2 कितना रुपए आप कह सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन दिया है? थर्ड ऑप्शन आपका दिया है, 18वें का थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 18वें का थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मेसनरी वर्क अप टू, मेसनरी वर्क है आपका, तो कितने जो है ओपनिंग के लिए कितने मीटर स्क्वायर तक, कितने एरिया तक जो है डिडक्शन नहीं करेंगे, तो कितना 0.1 मीटर स्क्वायर तक डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक क्या नहीं डिडक्ट करेंगे, अगर आपका क्या है जो आपकी बीम का एंड वगैरह है तो उस पे उसके लिए क्या करते हैं डिडक्शन नहीं करते। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, चिनाई के लिए तो 0.1 मीटर स्क्वायर, इसको कितना वर्ग सेंटीमीटर में करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 स्क्वायर से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज आपका हो जाएगा 19वें का फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैसनरी वर्क के लिए 0.1 मीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग का डिडक्शन नहीं करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे फॉर यूज इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया तक आपको सर्वे करना है तो 250 किलोमीटर स्क्वायर तक कर सकते हैं हम। ठीक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर तक आपका प्लेन सर्वे होता है, अगर इससे ज्यादा एरिया है तो आप क्या जियोडेटिक सर्वे करने लगते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कर्व का सर्फेस लेना पड़ता है। तो ठीक है, 21वें का पहला ये आपका 21वां 20वां कहा गया, रुकिए 20वां आपका करा रहा है। ठीक है, 21वां पहले कर लीजिए, 20वें की बात करते हैं हम आपसे। 20वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ पर मीटर लेंथ ऑफ 25 mm डायमीटर स्टील बार प्लेस्ड एट द स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर बाय सेंटर फॉर 1 मीटर। ठीक है, एक जो है 1 मीटर लंबाई का कोई मान लीजिए स्लेब है, स्लेब ही समझ लीजिए आप, 1 मीटर लंबाई का स्लेब है। ठीक है, स्लेब आपको ढालना है, उसमें 250 mm, 1 मीटर लंबाई के स्लेब में 250 mm के अंतराल पर सेंटर टू सेंटर, ठीक है, क्या है 25 mm डाया की, 25 mm डाया की बार जो है आपको प्रोवाइड करनी है, तो इनका वेट कितना होगा। ठीक है, तो पहले देखिए कितनी बार प्रयोग होगी, एक बार 250 mm के अंतराल पर प्रयोग हो रही है तो 1 मीटर में कितने बार्स आएंगी, 4 बार्स आपकी आएंगी, इन चारों बार्स का आपको वेट ज्ञात करना है। तो बार का वेट कितना होता है, 5² / 162, मतलब इसका क्या, इसको आप डेंसिटी से निकाल सकते हैं, 78-50 करके होती है इसकी डेंसिटी, तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपका जो एग्जाम के लिए बहुत सही है, 5² / 162 कर देंगे आ जाएगा, 25 mm का स्क्वायर कर दीजिए आप, अपॉन 162 5 mm में रखा जाएगा, इंटू बार 4 बार का वेट कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए यहाँ से आप, इतना आसानी से निकल जाएगा। और अगर यही आप करते क्या डेंसिटी वगैरह से तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता, कितना 15.43 kg। ठीक है, 15.43 यहाँ पे जो आता है वेट वो केजी में ही आता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 15.43 kg। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ये 20वां था, 21वां पहले हम करा चुके हैं। तो अब चलते हैं 22वें की तरफ, 22वां क्वेश्चन है हमारा, 22वां क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्केल, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 1 मीटर लंबाई है आपकी, 1 मीटर लंबाई एक स्केल इतना दूरी जो है बना रही है, एक स्केल इतना बना रही है। ठीक है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर अगर आप 10 मीटर कर रहे हैं तो ये 1 मीटर लंबाई इतना जो है कर रही है, अगर लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर बराबर आप क्या कर रहे हैं 5 मीटर कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो है 1 मीटर की लंबाई इतना आ रही है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बड़ा आ जा रहा है, तो स्मॉल कौन सा हुआ, जिसमें हम ज्यादा ले रहे हैं तो लाइन छोटी आ रही है, जिसमें हम कम ले रहे हैं वो लाइन बड़ी आ रही है, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही आपका सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो 1 in 1 था जो है 2500, देखिए चौथा ऑप्शन 22वें का चौथा ऑप्शन सही हो गया, समझ में आया ना कैसे होता है ये। ठीक, लिखा है लाइन ऑफ ट्रू लेंथ, ठीक है, सर्वे का क्वेश्चन है चैन सर्वे से, कि चैन की लंबाई का जो है मापते समय एरर था तो क्या होगा एक्चुअल लंबाई। ठीक है, डिस्टेंस हमने मापी तो गलत आ गई, हमने चैन की लंबाई से देखिए जो है जो मापा हमने ट्रू लेंथ था, क्या ट्रू लेंथ था 398 मीटर, ट्रू लेंथ था 398 मीटर और हमने जो है चैन क्या थी आपकी 20 मीटर की चैन थी, 398 मीटर को हमने जब मापा तो हमको लाइन कितनी मिली 400 मीटर की,
400 मीटर की मिली, ठीक है। एक्चुअल में हमारी जो है ट्रू लेंथ थी 398 मीटर, लेकिन हमने जब मापा 20 मीटर की चैन से तो मिला 400 मीटर, यानी जो आपका चैन था वो कुछ गड़बड़ था, ठीक है। तो आपको इसी डी डैश को निकालना है कि आपका चैन क्या था, चैन की लंबाई एक्चुअल में देखिए। अब देखिए आपका जो लेंथ था 398 मीटर, लेकिन बता रहा है 400 मीटर, यानी ज्यादा बता रहा है, तो चैन की लंबाई बड़ी होगी कि घटी होगी? चैन की लंबाई जब घटी होगी तभी तो आपको जो है 300 मीटर को क्या कह रहा है, 398 मीटर को 400 मीटर बता दे रहा है, ठीक है। तो चैन की लंबाई घटी थी, तो इस तरह से आप भी ऑप्शन में देखिए कि 20 मीटर से जो कम वाला ऑप्शन है वही आपका सही होगा। तो 20 मीटर से 19.9 यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 23वें का देखिए, बिना सॉल्व किए आपको पता चल गया कि 23वें का पहला ऑप्शन सही है। अब इसको सॉल्व भी कर ले तो क्या हो जाएगा, एल बराबर ट्रू लेंथ बराबर रॉन्ग लेंथ इंटू रॉन्ग लेंथ आप क्या चैन अपन ट्रू लेंथ ऑफ चैन, तो 398 बराबर 400 इक्वल टू डी डैश इंटू डी डैश अपॉन 20, ठीक है। तो यहां से आप डी डैश निकालेंगे तो 19.9 कितना आएगा, 9 निकाल के देख लीजिए। हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेट करिए। पहला ऑप्शन आपका 19.9 दिया है ना, 398 बटे 400 इंटू 20, देखिए 19.9 आ गया ना। यही चीजें हैं, कुछ चीजें आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो आपका टाइम चला जाता है। आप अपने बुद्धि से काम लेंगे तो आप 100 क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, टेक्निकल के और 100 नॉन टेक के भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर ऑफ टेप फॉर अ टेप ऑफ लेंथ एल इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी आपको दिया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी आपको दिया है कितना, कैपिटल टी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना दिया है, अल्फा का मान दिया है ए, ठीक है। लंबाई आपकी लेंथ कितनी दी है, एल, ठीक है। तो हमने पढ़ा है क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल, इसमें रख दीजिए अल्फा की जगह पे ए रख दीजिए टी एल, यही हो जाएगा क्या सही, ए टी एल। इसमें देखिए कौन सा है, ए टी एल। अब देखिए तीसरा, अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कि प्लस की माइनस हो रहा है, ठीक है। ए टी एल तो आप समझ गए, अब प्लस माइनस आएगा कैसे, जब देखिए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेप का लेंथ बढ़ जाएगा, टेप का लेंथ बढ़ जाएगा तो ज्यादा दूरी को कम मापेगा, ज्यादा दूरी को कम मापेगा यानी एरर आपकी क्या, एरर आपकी निगेटिव है, और तो करेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो एरर आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, करेक्शन ज्ञात करना है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, टेप की लंबाई बढ़ गई, टेप की लंबाई बढ़ गई तो आप जो है क्या करेंगे, ज्यादा दूरी को कम बताएगा, कम बताएगा तो आप उतनी जितना कम बताया उसको जोड़ेंगे, यानी करेक्शन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे लिया जाएगा। तो पॉजिटिव किस ऑप्शन में है आपका, पॉजिटिव आपका थर्ड ऑप्शन में है, 24th का थर्ड। समझ में आया ना क्यों पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक। अगला 25 है आपका, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, टेम्परेरी जब जो है लेवल की बात करेंगे, ठीक है, लेवल यानी डंपी लेवल का ही बात कर लीजिए आप, ठीक है। डंपी लेवल आप मान लीजिए, तो पहले क्या करेंगे आप, सेटिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, ठीक है। यानी प्लेन टेबल की बात करता तो पहले सेटिंग करते, फिर लेवलिंग करते, फिर क्या करते, सेंटरिंग करते, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है प्लेन टेबल वाला, क्योंकि इसमें उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें सेंटरिंग पहले सेटिंग, फिर सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, तो कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25वें का थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ होल सर्किट वेयरिंग, होल सर्किट वेयरिंग में कहां से कहां तक, 0 से 360 डिग्री। आपने कंपास देखा होगा, कौन सा कंपास, कंपास जो आप सर्वे करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखे होंगे आप 0 से 360 डिग्री तक उल्टे अक्षर अंकित होते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 26th का। समझ में आ रहा है ना, हाँ भाई बताते रहिए। 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के जो आपके जो एक्सिस होती है फंडामेंटल एक्सिस, उन एक्सिस का जो है रिलेशन होता है, तो उसमें से इसमें कोलिमेशन और जो है का पूछा गया है। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होती है आपकी, लाइन ऑफ कोलिमेशन आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये कैसे होता है, मान लीजिए जो आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन होती है, ठीक है, तो आपकी थियोडोलाइट ये है, तो थियोडोलाइट देखेंगे इस तरह के कुछ उसपे जो है एडजस्टमेंट में जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसके सेंटर से जो होकर जाती है उसे आप क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और थियोडोलाइट की कोलिमेशन एक्सिस ऐसी है तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 27th का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। वर्टिकल एक्सिस वाला मत लगा दीजिएगा, ऐसा कोई फंडामेंटल होना चाहिए लेकिन वो फंडामेंटल आपके जो है नहीं है,
ठीक है, फंडामेंटल में लाइन ऑफ कोलिमेशन हॉरिजॉन्टल के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। 28 का क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। तो सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द इंटरनल रेडियस, देखिए रेडियस बढ़े या लेंथ बढ़े या डायमीटर बढ़े, रेडियस बढ़े या लेंथ बढ़े या डायमीटर बढ़े, तीनों से आपका क्या होता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपकी जो डायरेक्टली देखिए सेंसिटिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डायमीटर ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब, और क्या है इसमें रेडियस, हमने रेडियस की, डायमीटर है तो रेडियस की बात करें। ठीक है, ये चीज तो पहला दिया सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द इंटरनल रेडियस ऑफ ट्यूब, गलत हो गया क्योंकि बढ़ती है, सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्यूब ये भी गलत हो गया क्योंकि इससे भी बढ़ती है, सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लेंथ, नहीं सेंसिटिविटी जब इंक्रीज तब करेगी जब लेंथ आपका ट्यूब का इंक्रीज करेगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये सही है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जब आप इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी सॉरी सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगी, जब विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है 28 का, कैसे होता है समझ में आ रहा, मान लीजिए आपकी विस्कोसिटी आपकी घट गई, ठीक है, विस्कोसिटी घटी तो लिक्विड के जो बबल्स होंगे ज्यादा सेंसिटिविटी तरीके से आपके क्या होंगे, सेंटर में आने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और जो गाढ़े लिक्विड होते हैं तो जब आप लेवल ऐसे कर दिए फिर धीरे 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 वो पहुंच रहे हैं तो सेंसिटिव कहां हुए, सेंसिटिव का मतलब कि जो है आप जो काम करें उसका रिस्पॉन्स जल्दी दे दें। ठीक, तो आप लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मतलब ऐसा लिक्विड यूज करना होता है जिसकी विस्कोसिटी कम हो। लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क यूजिंग ट्रेपिजॉइडल मेथड इफ द क्रॉस सेक्शन, देखिए दो दो क्वेश्चन आ गया एक ही सेट में ट्रेपिजॉइडल मेथड से, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रेपिजॉइडल का मेथड तो आपका यूज नहीं होगा, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर एल ए वन प्लस ए एन बाई टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन, ये आपका क्या होता है ट्रेपिजॉइडल मेथड। अंतराल कितना दिया हुआ है 20 मीटर का, 20 मीटर का अंतराल दिया है। ठीक है, और पहला एरिया कितना दिया है 40 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर, 80 स्क्वायर मीटर, तो 40 प्लस 80 बटे 2 प्लस 50, ठीक है, तो लिखिए इसमें 20 गुणे 8 4 12 8 5 6 5 11 110 यानी 2200 2200 मीटर क्यूब, कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 30 का थर्ड यानी 29 हमने फिर छोड़ा, 28 के बाद 29 हमने छोड़ा, देखते हैं 29 क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, बात करते हैं 29 की, हाँ 29 है आपका, कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन इन मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की दूरी कितना है 500 मीटर है, कितना है 500 मीटर, 500 मीटर अगर आपकी डिस्टेंस है यानी डी बराबर 500 मीटर है तो आपको कर्वेचर के कारण क्या हो जाएगा करेक्शन, तो सीसी बराबर होता है माइनस डी स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है, आर क्या होता है रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो डी 500 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, आप बताइए रेडियस कितना लेते हैं अर्थ की बताइए, हाँ ठीक है 63-70 किलोमीटर होता है, एक है मीटर से मतलब कर देंगे तो 1000 से और गुणा कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए कितना करेक्शन आएगा, 500 का स्क्वायर अपॉन 63 70000 अपॉन 2 0.01962 माइनस में आएगा ना, ये कर्वेचर के कारण है, तो ये आपका कितना मीटर आपका आ जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन 29 का सेकंड। ठीक है, तो 30 तक हो गया आपका, समझ में आया ना 30 क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की 31 की तरफ, बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, तो द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसी सॉइल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कोलुवियल सॉइल, 31 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोलुवियल सॉइल कहते हैं जो ग्रेविटी के द्वारा, एलुवियल सॉइल जो पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, लॉयस किसे कहते हैं जो एयर के द्वारा, एवलिन सॉइल होती है ये, ठीक है, टिल क्या होती है जो ग्लेशियर के द्वारा आपकी क्या की जाती है ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 31 का सेकंड ऑप्शन, चलते हैं 32 के क्वेश्चन की तरफ, 32 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि लिखा है व्हिच 32 एक मिनट 32 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर की सहायता से आप क्या ज्ञात करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं आप, पिक्नोमीटर की सहायता से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, एक वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें से, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दिया है ना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 की तरफ। द सेल प्रेशर एंड फोर वाटर प्रेशर इंक्रीज। देखिए सेल प्रेशर में इंक्रीजमेंट दिया है, फोर वाटर प्रेशर में इंक्रीमेंट दिया है। ट्राइएक्सियल टेस्ट में तो स्केम्प्टन पोर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, स्केम्प्टन पोर प्रेशर कॉफिशियंट, दो पोर प्रेशर कॉफिशियंट होते हैं स्केम्प्टन के। एक होता है ए बराबर होता है डेल्टा सिग्मा 1 अपॉन डेल्टा यू, और बी क्या होता है डेल्टा सिग्मा 3 अपॉन डेल्टा यू, ठीक है। मतलब सिग्मा 1 क्या होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आपका होता है, सिग्मा 3 क्या होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो बी आपका निकल के आता है, इसमें क्या है पोर सेल प्रेशर जो है इंक्रीज, तो इसमें तो दिया नहीं है, तो आप किसी में भी रखिए, आप मान लीजिए मेजर मान लीजिए माइनर मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आप, तो लिखा सेल प्रेशर इंक्रीज सिग्मा 3, देखिए सेल प्रेशर दिया था यानी सिग्मा 3 होगा आपका, ठीक है। सेल प्रेशर यानी बी निकल के आएगा सिग्मा 3 आपका, सेल प्रेशर 0.26 माइनस 0.1 अपॉन 0.15 माइनस 0.15 माइनस 0.07 हमें लग रहा है कि डेल्टा यू ऊपर होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 0.26 अपॉन माइनस 0.1 अपॉन 0.15 माइनस 0.07, ठीक है, हमें जो लग रहा था वो क्या था सही था, यहाँ पे 2 आ गया है, यानी कि हमने उल्टा लिखा है क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमें जो बी होगा आपका डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सिग्मा 3 होगा, और ए होगा आपका डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सिग्मा 1, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक, तो ये आपका उल्टा हो गया थोड़ा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0.15 माइनस 0.07 अपॉन 0.26 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 आंसर आपका आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा 33 का थर्ड, वहां पे आप थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, उल्टा हो गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 34 की तरफ, 34 है आपका, 34 में आपको क्या बताना है देखिएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द टाइम फैक्टर फॉर 50 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से पूछ लिया है, अगर आपका डिग्री आप कंसोलिडेशन 50% है तो कितना होगा आपका क्या टीवी, मतलब टाइम फैक्टर की वैल्यू। देखिए एक होता है टाइम फैक्टर के दो सूत्र होते हैं, एक होता है अगर आपका डिग्री ऑफ जो है कंसोलिडेशन कितना है 60% तक है, ठीक है, 60% या उससे कम है तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा टीबी बराबर होता है पाई बाई 4 यू अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका 60% से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा टीबी बराबर 1.93 माइनस 1.78 माइनस 0.93 लॉग क्या हो जाएगा 100 माइनस यू परसेंटेज, ठीक है, ये चीज होता है। तो आपका 50% 60% से नीचे ही है तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 50/100 का होल स्क्वायर, तो ये 0.19 समथिंग आता है, तो 0.2 जब आप क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, कंसोलिडेशन की 0.2 हो जाएगा 34 का फर्स्ट, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना तो ये सब वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। 35 की तरफ, 35 है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या होगा विस्कोसिटी आपकी जीरो होगी, फ्लो इनकंप्रेसिबल होगा, तो इट इज इनकंप्रेसिबल, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 35 का सेकंड इनकंप्रेसिबल, तो सही हो जाएगा कौन सा सेकंड, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। डायमीटर दिया है बूंद की, वर्षा की बूंद है आपकी ड्राई, उसका कितना दिया है 0.075 mm डी ड्रॉपलेट की डायमीटर 0.075 mm दिया है, और आपका सरफेस टेंशन कितना दिया है सिग्मा आपका दिया है 0.000075 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको क्या याद करना है इसका प्रेशर इंटेंसिटी, तो जो ड्रॉपलेट की प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो 4 सिग्मा अपॉन डी होती है, ठीक है। अगर आपका यहीं पे पूछता है जेट के लिए क्या होता है 2 सिग्मा अपॉन डी, अगर यही बबल की बात करें बबल यानी बुलबुले जो होते हैं उनकी बात करें तो 8 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रखते हैं 4 × 0.00075 अपॉन 0.075, ये किसमें आ जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है इसको, तो 1 एमएम में 10 होता है क्या, मतलब 10 एमएम बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आएगा 0.4 देखते हैं 0.00075 × 4 अपॉन
0.075 upon 100, हाँ तो 0.4 आएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10^2 से का होल स्क्वायर, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब समझ में आया, तो कौन सा 36 का पहला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना भाई, एनर्जी डाउन मत करिए, ठीक है, लगे रहिए ढंग से और क्वेश्चन करते रहिए। सारे क्वेश्चन आपके SSC में आए हैं तो जरूर इंपॉर्टेंट ही होंगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपका, एक ब्लॉक है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और वो पानी में डुबोया गया है, तो पानी के जितने आयतन को जो है वो हटाएगा उतना ही उस ब्लॉक का वेट होगा ना। तो ब्लॉक का वेट पूछा गया है 2:2, कितना लिखा है 2×1×1, यानी आपका ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, 2 मीटर लंबा हो गया आपका, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है। ये पानी में कितना 0.5 मीटर तक जो है इमर्ज किया गया है, यानी 0.5 मीटर, यहां आधे तक नीला पानी बना दें, चलिए ठीक है, 0.5 मीटर तक ये क्या है, इमर्ज है, मतलब डूबा हुआ है पानी में, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन पानी में डूबा हुआ है 0.5 मीटर तक, ठीक है। तो ये जितना, ये 2 मीटर है आपका, ठीक है, ये आपका कितना है 1 मीटर। तो कहा है कि इसका वेट याद करिए, अगर पानी की डेंसिटी आपका कितना है 100 क्यूबिक मीटर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलोमीटर, देखो गामा डब्ल्यू आपका दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए जितना पानी का आयतन कितना हटेगा, इस आयतन जितना आयतन डूबा है उसके बराबर, तो डूबा हुआ आयतन कितना है, डूबा हुआ आयतन 0.5×2×1 मीटर क्यूब डूबा है। अगर वेट निकालना है तो इसको हम पानी की डेंसिटी से गुणा कर दें, यानी 10 से, तो कितना किलो न्यूटन में आपका आ जाएगा, ठीक है, तो 0.5×10 यानी 10 किलो न्यूटन आपका क्या आएगा उस बॉडी का वेट। तो कौन सा दूसरा ऑप्शन, 37वें का दूसरा, समझ में आया ना, आर्कमिडीज सिद्धांत लगाइए सीधा, जो बॉडी का वेट होता है वो कितने, जितना वो बॉडी आपका जो है जितना आयतन पानी जो है हटाती है उतना ही उसका वेट कहलाता है, उस पानी के वेट के बराबर ही बॉडी का वेट कहलाता है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, पानी का वेट निकाल लीजिए वही हो जाएगा। 38 क्या है, ऑन व्हिच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो बेस्ड होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर होती है, और अगर बर्नौली इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मास कौन सा, सेकंड ऑप्शन 38 का सेकंड, समझ में आ रहा है भैया। 39th, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन, रेनॉल्ड्स नंबर आपको दिया है, क्वेश्चन कहां गया, इफ रेनॉल्ड नंबर गिवन 10^6, समझ लीजिए रेनॉल्ड नंबर आपका दिया है 10^6, ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट फॉर स्मूथ पाइप, ठीक है, जो आपका रेनॉल्ड का जो है 10^5 से ज्यादा होता है और 10^7 से कम होता है, तो जो है रेनॉल्ड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है 0.032, ठीक है, क्या होता है 0.0032 प्लस 0.221/RE^0.237, ठीक है, यही होता है ना, आपको पता है कि नहीं, जब आपका 10^5 से 10^7 के बीच में होता है तो 0.0032 प्लस 0.221/RE^0.237, ये फ्रिक्शन फैक्टर का मान होता है, ठीक है, बड़ा वाला एफ, तो 0.0032 प्लस 0.221/RE 10^6^0.237, कैलकुलेट करिए 0.01 आएगा, कैलकुलेट करके बताइए आ रहा है कि नहीं 0.01, कैलकुलेट करके बताइए आ रहा है, चलिए ठीक है, 39 का सेकंड आपका हो जाएगा, फिर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिखा है 14th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। 14th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन में क्या होता है कि जो सारी एनर्जी होती है किसमें कन्वर्जन होती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, तो सीधा इसमें आप वही ऑप्शन देख लीजिए, ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो थर्ड ऑप्शन 14th का सही हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन टर्बाइन जो होती है उसमें काइनेटिक के साथ साथ किसमें बदलता है, सिंपल जो है, हाँ रिएक्शन टर्बाइन में आपके रिएक्शन में भी जो काइनेटिक के साथ साथ और एक एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें जाता है, वो अभी याद नहीं आ रही, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, क्या काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, तो यानी सेकंड आपका कौन सा है,
थर्ड आपका ऑप्शन सही है कंप्लीटली। किसमें? अगर इंपल्स टर्बाइन यानी पेल्टन टर्बाइन आपकी इंपल्स टर्बाइन होती है तो उसमें सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। 41st है आपका, द वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल होल मेड इन वास हैंड बेसिन द फ्लो इज, जो आपकी हैंड वास बेसिन होती है आपका, उसमें क्या होता है पानी जो होता है उसके जो छिद्र से पानी जाता है वो आपका क्या कहलाता है? फ्री वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, फ्री वर्टेक्स फ्लो। तो सेकंड ऑप्शन 41st का सेकंड। आपको जब हम पढ़ाएंगे वर्टेक्स फ्लो तो उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लिखा है टरबाइन दिया है आपको, बताना है इसमें अगर इतने हार्स पर 10,000 जो है हार्स पावर का कर रहा है ये इलेक्ट्रिक और जो है पावर जनरेट कर रहा है और इसकी वर्किंग जो है स्पीड है आपकी 500 rpm और हेड 81 meter है तो कौन सी टर्बाइन इसके लिए आप यूज करेंगे? आपको जो है 10,000 हार्स पावर का पावर जो है क्या करना है जनरेट करना है। अगर आपके पास 500 आरपीएम के दर से घुमाना है यानी पावर आपका 10,000 हार्स पावर है यानी 10,000 × 746 बटे 1000 इतना किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इससे 74.6 नहीं 7460 किलो वाट आपको क्या पावर जनरेट करानी है एंड आपके पास 500 आरपीएम है। ठीक है, 500 आरपीएम के दर से घुमाना है, एच आपका 81 meter है तो आप पहले क्या निकालिए इसकी स्पेसिफिक एनर्जी निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब क्या? स्पेसिफिक स्पीड, सॉरी ns आपको निकालना है। तो n रूट पी एच की पावर क्या 5/4। ठीक है, यही होता है ना, n रूट पी एच की पावर 5/4 यही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, तो सॉरी अगले क्वेश्चन पे नहीं इसी पे। तो 500 अंडर रूट पी आपका, पी आपका किलोवाट में रखा गया है तो 7460 अपॉन एच की पावर कितना 81 की पावर 5/4 आप लोग कैलकुलेट करिए कि स्पेसिफिक स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, 42nd नंबर क्वेश्चन आपका, स्पेसिफिक स्पीड कितनी आ रही है बताइए, जरा कैलकुलेट करके बताइए जल्दी। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करिए बताइए। 500 अंडर रूट 7460 अपॉन 81 की पावर कितना 5/4। ठीक, कितना आ रहा है एक मिनट फिर से, 500 अंडर रूट 7460 ठीक है अपॉन 81 की पावर 5/4 180.5 स्पेसिफिक स्पीड 180.5 आरपीएम आपकी आ रही। ठीक है, तो अब देखिए स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर हमको बांटा गया टर्बाइन, अगर 10 से 35 के बीच में आपकी है तो पेल्टन यूज की जाएगी, पेल्टन वो भी सिंगल जेट की, सिंगल जेट। ठीक है, और अगर आपका क्या 35 से 60 के बीच में है तो आपकी पेल्टन यूज की जाएगी लेकिन यहां पर डबल जेट हो जाएगा, डबल जेट। ठीक है, और 60 से कितने के बीच में है 300 के बीच में है, 60 से 300 के बीच में, तो यहां पे फ्रांसिस यूज होगी। कौन सी? फ्रांसिस है किसके बीच में? इसी के बीच में, तो फ्रांसिस टर्बाइन कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 42 का सेकंड। और इसके आगे अगर 300 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? कपलान और प्रोपलर यूज करेंगे। ठीक है, कपलान या प्रोपलर। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसमें फ्रांसिस होगा। 43rd की तरफ चलते हैं आपका, 43rd क्वेश्चन है, अरे 43rd, हाँ, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एनर्जी। आपको स्पेसिफिक एनर्जी ज्ञात करनी है ऑफ द फ्लो इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 2.22 मीटर पर सेकंड एंड डेप्थ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया है और डेप्थ ऑफ फ्लो दिया है तो आपको स्पेसिफिक एनर्जी ज्ञात करनी है। आपको जब ओपन चैनल फ्लो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको, तो स्पेसिफिक एनर्जी बराबर होता है एच प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब जो आपका वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड होता है उसी का योग क्या कहलाता है? स्पेसिफिक एनर्जी। तो 1 मीटर आपकी जो दिया है ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब 2.22 दिया है ना, स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81, इसको कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना आ जाएगा, कितना मीटर आएगा, कैलकुलेट करिए। 2.22 का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 प्लस 1 यानी 1.25 मीटर आ रहा है आपका, 1.25 मीटर क्या हेड आ रहा है स्पेसिफिक एनर्जी का। ठीक, तो 43rd का
कौन सा पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 44th की तरफ, द स्फीयर, आपको स्फीयर दिया है, उसका डायमीटर दिया है, फॉल्स इन द फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्ट्रोक्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी टू 0.02 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑन फॉलिंग स्फीयर। फॉलिंग स्फीयर पर कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ज्ञात करना है, तो CD बराबर होता है आपका 24/RE यानी 24/ρVD अपॉन म्यू। रो अपॉन म्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू वी इनटू डी। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 10 स्ट्रोक्स 10×10⁻⁴ क्या हो जाएगा आपका, न्यू बराबर म्यू बाई रो होता है, ठीक है, तो ये 1/ν हो जाएगा, ठीक ठीक है, तो यहां पे न्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 10×10⁻⁴ ऊपर आएगा, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.02 इनटू डी आपका डायमीटर कितना दिया है 0.02 वो भी दिया है, ठीक है, तो आपकी क्या कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालिए 24×10⁻⁴ अपॉन 0.02 अपॉन 0.02 60 आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, 60 आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 44th का सेकंड। आप लोग एक्टिव नहीं है भाई, आंसर नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी दीजिए। लिखा है as one moves from head of the canal to the field duty of water, canal से field की तरफ जाते हैं तो duty of water increase होती है, minimum जो duty आपकी main canal में होती है maximum field में होती है, कैसे, canal की duty यही होती है कि अगर कम पानी ज्यादा area cover करे तो duty ज्यादा होगी, तो देखिए main canal में ज्यादा पानी कम ही area में रहता है लेकिन field में कम पानी ज्यादा area में फैल जाता है, यानी main canal में duty आपकी कम होती है, field में जो आपकी duty maximum होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा increases बढ़ती जाती है। 45 का third, समझ में आ रहा है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है भाई, बताते रहना। 46, which of the following is the correct assumption of Kennedy's theory, Kennedy साहब ने क्या माना था कि जो आपकी एडीज उत्पन्न होती हैं, इरिगेशन पढ़ लियो भाई फिर से जो बता रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब कंटेंट इतना है कि आपको एसएससी जेई में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो पढ़ लीजिए एक बार जो हम पढ़ाए, ठीक है, प्लेलिस्ट अभी पूरा अपलोड है। बात करते हैं 46 की, तो इसमें पूछा है कैनेडी की थ्योरी का अजम्पशन। कैनेडी ने साहब ने माना था कि जो बॉटम से जो भंवर उत्पन्न होती है वही सिल्ट को क्या करती है, जो है निलंबित अवस्था में रखती है, ठीक है, तो द सिल्ट इज सस्पेंशन ड्यू टू द एडी फॉर्म फ्रॉम द बॉटम ऑफ कैनाल, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है यही सही होगा, 46 का थर्ड सही होगा, 46 का थर्ड। 47, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोएफिशिएंट, देखिए लेटरल होता है 0.15, लॉन्गिट्यूडनल 0.35, ये आपका एसएसडी याद करने के लिए होता है, ये आपका सुपर एलिवेशन याद करने के लिए होता है, ठीक है, तो 47 का 3 हो जाएगा, समझ में आया ना, चलिए ठीक है। लिखा है कैलकुलेट द स्टेप, देखिए आपका आ गया स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस आपको याद करने के लिए आ गया, और देखिए वैल्यू भी दिया है 0.35, अभी हमने बताया 0.35 से 0.4 के बीच में होती है, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस दिया है जिसमें एफ का दिया है आपका -3%, ठीक है, यानी -0.03 क्योंकि यह डिसेंडिंग है, ठीक है, टी आपका दिया है 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड आपका टाइम है रिएक्शन टाइम, स्पीड दिया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 km/h दिया है, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, लेटरल फ्रिक्शन दिया 0.3, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट, आपको एसएसडी याद करना है, एसएसडी बराबर होता है वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस माइनस एन, तो यहां पे एन आपका माइनस में है तो माइनस यूज करेंगे, वी बराबर हो जाएगा 80 km/h 5/18 करिए तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, 80×5/18 करिए तो क्या हो जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड हो गया। अब एसएसडी लिखिए 22.22 × 2 सेकंड है आपका टाइम प्लस 22.22 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 एफ आपका 0.35 -0.03, ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है चलिए देखते हैं बदल देते हैं मार्कर, 22.22 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 अपॉन 0.35 -0.03 प्लस 22.22 × 2 123 मीटर आ रहा है आपका, कितना 123 आपका मीटर क्या स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस हो जाएगी, तो 48 का क्या हो जाएगा
सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, दशमलव के आगे आप देख लीजिएगा 123 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम लिमिट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट मस्ट बी वाटर टू सर्वाइवल एक्वाटिक लाइफ। देखिए होना तो चाहिए 10 ppm, होना तो चाहिए 10 ppm, लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो 4 ppm, ठीक है, मिनिमम 4 ppm, तो कौन सा हो जाएगा 49 का सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लास्ट है आज का। स्ट्रीम लाइन आपका बीओडी दिया है, ठीक है, स्ट्रीम ये आपका जो है 2016 के मेंस में इससे क्वेश्चन आया था, समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन का एक पार्ट था यही, ये चीज आप समझ लीजिए। आपका दिया है 20 क्यूमिक बीओडी 10 मिलीग्राम, Q1 आपका दिया है मान लीजिए 20 क्यूमिक और बीओडी 1 आपका दिया है कितना 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, सीधा आप इसको समझिए। लिखा है फिर Q2 आपको दिया है 1.5 क्यूमिक और बीओडी आपको दिया है बीओडी 2 आपको कितना दिया है 250 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, तो आपको मिक्स बीओडी मिक्स याद करना है आपको, ठीक है, आउट मतलब जो आपका मिक्स तभी होगा ना जो आपका पूछा है इसमें डाउन स्ट्रीम साइड में क्या हो जाएगा, तो मिक्सिंग के बाद ही तो जो आएगा बीओडी वही आएगा, तो ये होता है Q1 इंटू बीओडी 1 प्लस Q2 इंटू बीओडी 2 अपॉन Q1 प्लस Q2, यहां पे रखिए आप 20 × 10 प्लस 1.5 इंटू 250 अपॉन 20 धन 1.5 कितना हो जाएगा, जोड़िए 200 प्लस 250 इंटू 1.5 अपॉन 21.5 कितना हो जाएगा 26.74, फोर्थ ऑप्शन आपका 26.74 मिलीग्राम जो है मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा आपका, क्या तो 50 का आपका कौन सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कैसे थे आप बताइए, सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे आपको थोड़ा सा लड़कों को लाइव लाइए आप लोग, आप ही लोग लाएंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, तो हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, और एस्टिमेशन हम आपको शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बताइए कब खाली रहेंगे जिससे हमारा लाइव क्लास चले, तो आप लोग आए तो उसका अच्छे से पढ़ें उसको, ठीक है, तो एस्टिमेटिंग बहुत जो है पूछा जा रहा है आजकल, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, परसों से चलेगा, तो आप लोग टाइम बताइए, ठीक ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।